क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार प्रभु यीशु को संसार के पाप हरने वाले मेमने के समान प्रस्तुत करता है। और इन दिनों में हम विशेष रूप से कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया की एकता का सपना तभी साकार होगा जब हम मसीह को पूर्ण रूप से जानेंगे। वचन कहता है, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर का पुत्र है। यीशु को देखना और साक्ष्य देना हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति को प्रभु ने दिया गया मिशन और कर्तव्य है। लेकिन ईश्वर का सच्चा साक्षी बनने के लिए हमको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अभी हम देखें जो श्रेणियाँ हमें ईश्वर का सच्चा साक्षी बनने के लिए मदद करती है। पहली श्रेणी है देखना। देखना यानी जिसका साक्ष्य देना चाहते हैं उसे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम यीशु को अपने जीवन में नहीं देखते हैं तब तक हम यीशु के लिए साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो भी ईश्वर को देखा वे सब ईश्वर के साक्षी बन गए, जैसे कि अंधा व्यक्ति, जकरियुस, समारी स्त्री, ये सब इसका उदाहरण है। दूसरा श्रेणी है जानना। जब किसी अपरिचित व्यक्ति से पहली बार मिलती है तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार यदि हम प्रभु यीशु को अनुभव करना चाहते हैं तो उन्हें जानने के लिए पवित्र ग्रंथ पढ़ना, जानना आदि आवश्यक है। खुद को पूछें, क्या मैं रोज बाइबल वचन द्वारा उसे जानने की कोशिश करता हूँ। तीसरी श्रेणी है प्यार करना। जिसने भी प्रभु यीशु को देखा, जाना, वे सब उनसे प्यार करते थे। यीशु को प्यार करने का सबसे आसान तरीका है बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़कर उसे समझना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना ही यीशु को प्यार करना है। मैं यीशु के प्यार को जितनी गहराई से अनुभव करता हूँ उतना ही मैं लोगों को यीशु के प्यार के बारे में बताने के लिए उत्साहित रहता हूँ। चौथी श्रेणी है साक्ष्य देना। समारी स्त्री ने यीशु को देखा, जाना, पहचाना और उसको प्यार भी किया। उसके प्यार ने उसे शांत नहीं बैठने दिया। वह दौड़कर गांव गई और गांव वासियों को बताया कि मैंने मसीह को देखा है। वैसे ही प्रभु यीशु का प्यार हमको शांत नहीं बैठने देगा, वह जरूर हमें उसके प्यार के सच्चे साक्षी बनाएगा। आज के सुसमाचार द्वारा यूहन्न बपतिस्ता हमारे सामने प्रभु यीशु को देखने का और उसके साक्षी बनने की बड़ी चुनौती रखते हैं। तो आइए प्रभु के साक्षी बनने के लिए हम प्रभु को देखने की इच्छा अपने मन में रखें। बाइबल के द्वारा प्रभु को अधिक जानने की और प्यार करने की कोशिश करें, ताकि हम इस दुनिया में उसके सच्चे साक्षी बने। तब हम भी यूहन्न बपतिस्ता जैसे कह पाएंगे, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।